हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ AOR News, जिसमें हम बात करने वाले हैं सुपर हीरो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जैसे डेडपुल 2 मूवी री रिलीज, कैप्टन मार्वल मिस्टीरियस रोल, जो रूसो ऑन एवेंजर्स 4 और ऐसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है जो रूसो को लेकर। तो जो रूसो ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कुछ एवेंजर्स 4 से अपडेट दिए। उन्होंने कहा कि एवेंजर्स 4 का रन टाइम फिलहाल में 3 घंटे है, पर अभी इसके VFX एडिटिंग बाकी है, इसलिए हमें इनके होने के बाद ही फाइनल रन टाइम मिलेगा। सेकंड, उन्होंने ट्रेलर के बारे में बोला। तो उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमें इसी साल में एवेंजर्स 4 का ट्रेलर देखने मिल जाए। हो सकता है कि वो जनवरी 2019 तक मिले, लेकिन गाइस मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ट्रेलर हमें 2018 नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। और लास्ट, उन्होंने हमें टाइटल को लेकर ट्रोल किया। तो इससे पहले कि वो अपनी लाइव के दौरान टाइटल को रिवील करते, बीच में ही लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया गया और उन्होंने टाइटल के बारे में नहीं बताया। सो गाइज, आपके हिसाब से एवेंजर्स 4 का टाइटल क्या हो सकता है, नीचे कमेंट करके बताएं। अगली अपडेट है अपकमिंग मूवीज काउंटडाउन को लेकर। तो मार्वल स्टूडियोज ने अपनी वेबसाइट marvel.com पर एवेंजर्स 4 और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम दोनों अपकमिंग मूवीज के लिए एक काउंटडाउन क्लॉक लगाई है। यहां आप देख सकते हैं कि इन मूवीज को रिलीज होने में अभी कितने दिन बाकी हैं। इवन आप यहाँ पर घंटे, मिनट्स और सेकंड्स भी देख सकते हैं। अगली अपडेट है डेडपुल 2 मूवी से। तो इस मूवी को PG13 रेटिंग के साथ एक बार फिर से रिलीज किया जाएगा और इसके लिए कुछ नए सीन को भी शूट किया गया है। PG13 का मतलब होता है कि इसमें कोई भी एडल्ट सीन नहीं होगा, यानी ये मूवी बच्चों के लिए बिल्कुल ही सूटेबल रहेगी और इसे 12 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। इंडिया में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसके लिए ऑफिशियल टाइटल है वंस अपॉन ए डेडपूल और इसके लिए एक पोस्टर को भी रिलीज किया गया है, जिसे आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में जाकर देख सकते हैं। अगली अपडेट है कैप्टन मार्वल मूवी से। तो लेट नाइट शो विद स्टीफन कोलबर्ट में जूड लो को उनकी कैरेक्टर के बारे में पूछा गया कि कैप्टन मार्वल मूवी में वो किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ कि मैं किस कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ। सो गाइज, हम अनऑफिशियली तो ये जानते हैं कि ये कैप्टन मार्वल का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल कैप्टन मार्वल का, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि मूवी में इनका रोल क्या होगा। और मुझे लगता है कि जब तक कैप्टन मार्वल मूवी रिलीज नहीं होती, इस कैरेक्टर के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं चलने वाला है। पता नहीं मार्वल इस कैरेक्टर को इतना सीक्रेट क्यों रख रहा है। तो आपको क्या लगता है इस कैरेक्टर के बारे में, नीचे कमेंट करके बताओ। सो गाइज, ये थे कुछ अपडेट सुपर हीरो से जुड़े। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही सुपर हीरो से जुड़ी डेली न्यूज के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, वी आर हीरोज़।